आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले हमने ये वीडियो देखा, उसके बाद हमने ये खबर चे देखी, मैंने ये कवर किया था। अब मेरा ये दायित्व बनता है, क्योंकि अब ये स्टोरी हमने शुरू तो कर दी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा पता चला है। क्योंकि देखिए, किसी को बिना बात के बदनाम करना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि ये मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने बताया भी ये जाँच चल रही है। अब जाँच में जो भी सामने आएगा हम आपको बताएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेटिव केसेस में होता है, ठीक है। तो मैं इसमें जो सामने आया है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन दिस केस। होश उड़ गए हैं सबके। देखिए भाई, जो मर्डर केस होते हैं ना, वाकई में दिल दहला देते हैं। निकी यादव मर्डर केस ने पूरे देश को दहला दिया। अभी हमने श्रद्धा मर्डर केस, हालांकि ऐसे देखिए पैरेलल एक और ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप का मर्डर हुआ, उसमें तो लड़की को मारा, उसी रात सामान बेच के भाग गया वो, है ना। तो ऐसे ही एक दिल दहला देने वाला स्पाइन चिलिंग मर्डर केस हुआ था, हाई प्रोफाइल मर्डर, शीना बोरा मर्डर केस, जिससे पूरा देश हिल गया था। शानदार ऑडियो बुक मैंने कुकू एफएम पे सुनी, जबरदस्त एपिसोड्स, टोटल 9 एपिसोड्स, लेकिन जानकारी भरपूर है। मेरा जो फेवरेट इसमें एपिसोड है वो एपिसोड 2, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस ने इसमें बहुत ही जबरदस्त काम किया था, यह बात आप मान के चलिए। तो इसको आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो यहां पे अवेलेबल है। इनके बहुत सारे नए फीचर्स, जिसमें स्लीप टाइमर मोड, आप टाइम सेट कर सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ड्राइव मोड, गाड़ी चलाते हुए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ऑडियो शो सुन सकते हैं। अभी अगर बात करते हैं तो आप कूपन कोड यूज करिए SGS50। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पे मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 पे मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50 स्पेशल ऑफर को अवेल करने के लिए, और आपको 50 रुपीज, यानी कि 50% का ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन सीधा 49 में, लेकिन ये फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं निकी यादव और यहां पे साहिल गहलोत की, तो दोनों का ही बड़ा मुश्किल हुआ, ठीक है। रिश्ता हम सबको पता है कि 2018 में दोनों की मुलाकात हुई, वो कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है कि कैसे ये दोनों आपस में मिले। मिलने के बाद दोनों में प्यार बढ़ा, और उसके बाद फिर इन जो साहिल थी उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, और जब साहिल की कहीं और शादी तय हुई, कहीं और शादी फिक्स हुई, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, ठीक है। और निकी यादव ने बोला कि मुझे इस, मतलब मैं इससे बिल्कुल राजी नहीं हूँ। 5 साल में दोनों बहुत जगह घूमे भी, कहानी तो यही थी। उसके बाद 9 फरवरी को जब इसकी इंगेजमेंट थी साहिल गहलोत की, और जब निकी यादव को पता चला तो दोनों में झगड़ा हुआ। फिर साहिल गहलोत ने उसको कन्विंस किया, देखो हमारी शादी नहीं तय हुई है, ना ही मेरी कोई इंगेजमेंट हुई है, तो हम घूमने चलते हैं। गोवा का टिकट करा लिया, लेकिन गोवा का टिकट तो कराया बट वो गोवा गया नहीं, वो गया कश्मीरी गेट, और वहाँ से फिर हिमाचल के लिए उसने गाड़ी घुमाई, बट अगेन वहाँ पे झगड़ा हुआ। और अपने भाई की वाइट वर्ना थी इसके पास, और इसने जो मोबाइल का डेटा केबल था निकी यादव का, उससे गला घोट के हत्या कर दी। और उसके बाद इसका जो गांव था वहीं पे ही इसका ढाबा, फ्रिज, ब्लू फ्रिज में पूरी लाश को ठूंस दिया। फिर अगले दिन पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब 2 दिन बाद पुलिस ने पकड़ लिया। अब पूछताछ में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। निकी यादव की जो फैमिली थी देवर अनअवेयर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो साहिल गहलोत के पिताजी इस गुनाह में लिप्त पाए गए हैं, सेक्शन 120 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इनके ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर धारा ये डाल दी गई है, और इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। बताया जा रहा है कि साहिल गहलोत के फादर को बात पता थी पूरी, और प्लानिंग में इनका परिवार भी इन्वॉल्व था। ये लगातार दबाव बना रहे थे कि बेटा तुमको दूसरी लड़की से शादी करनी है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये दोनों शादीशुदा थे, निकी यादव और साहिल गहलोत दोनों शादीशुदा थे,
और इन दोनों ने 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में शादी रचाई थी। दोनों ने शादी कर ली थी, दे बोथ वर मैरिड, आप समझ रहे हो। और जब दोनों ने शादी कर ली, उसके बाद साहिल गहलोत ने अपने कन्फेशन में यही बोला है, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जब पुलिस ने, तो पूछताछ जब सख्ती से पूछताछ की, तो साहिल गहलोत ने यही बोला है कि मैं निक्की से शादी करना चाहता था लेकिन मेरी फैमिली राजी नहीं थी, वो लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी, तो लगातार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम दूसरी लड़की से शादी करो। इनफैक्ट मैंने अपने पिताजी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे इसी के साथ रहना है, बट वो माने ही नहीं। अब उसके बाद पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई जबरदस्त तरीके से, साहिल के पिताजी भी इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या कि जब नहीं हुआ कुछ, और उसके बाद फिर जब जिस दिन शादी थी उस दिन साहिल आया नहीं, तब परिवार को चिंता हुई कि ऐसा तो नहीं कि निक्की के साथ भाग गया है। फिर जब फोन किया तब पता चला नहीं, भागे नहीं है ये, ही हैज नॉट रन अवे, ये पश्चिम बिहार में, इन्होंने बताया कि पश्चिम बिहार में और मैं आ रहा हूं। तो ये दो शॉकिंग ट्विस्ट सामने आए हैं कि निक्की यादव का नहीं बल्कि साहिल गहलोत का परिवार को पता था कि मार दिया है लड़की को, और जहां तक है शायद इनका परिवार भी इन्वॉल्व था, तभी तो पिताजी के ऊपर धारा लगा दी गई है। और साहिल गहलोत ने निक्की यादव से शादी कर ली थी, लिव इन पे थे ही नहीं, ये शादीशुदा थे, दे वर मैरिड, ये चीज है। तो वही है कि मैंने इस पे वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि ये चीज मुझे क्लियर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। बाकी बहुत दुखद हुआ जो हुआ, साहिल गहलोत की भी जिंदगी बर्बाद हुई, निक्की यादव की भी जिंदगी बर्बाद हुई। तो पुलिस की, देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती तो साहिल गहलोत की है, बट फिर भी कहते हैं ना कि जैसे फर्स्ट इंस्टेंस पे लगा कि साहिल इसमें विलन है मेन, लेकिन विलन तो है ही है मेन, क्योंकि भाई आपने लड़की को मार दिया, बट वो शादी तो करना चाह रहा था, ये हिसाब किताब है। तो कई बार परिवार ही जो है वो बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अब ऐसे केस में किया क्या जाए। तो फिलहाल आप ये शानदार ऑडियो बुक को जरूर सुने, शीना बोरा मर्डर केस। और जैसा कि हमने बताया कि कूपन कोड है SGS50, 50% आपको ऑफ मिलेगा, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ही है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंकों को क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड करेंगे, कूपन कोड को अप्लाई करेंगे और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।